हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एन एस एस ए। आज दो इम्पॉर्टेंट अच्छा खबर है आपके लिए, मैं शेयर करने जा रहा हूँ एसबीआई के लिए। ठीक है, जो भी एसबीआई की जो एस्पिरेंट है, जो एसबीआई में जो काम करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए दो अच्छी खबर है, वन बाय वन मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली खबर देखो, जो 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है ये साइन हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो आईबीए है और गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये साइन हो गया है। अब इसमें इसका क्या मतलब है? ठीक है, 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सैलरी जो है वो बढ़ने की बात की गई है। ठीक है, जरूर 100% सैलरी जो है, जितने भी एसबीआई के जो इंप्लॉयमेंट है, जो बैंक के इंप्लॉयमेंट है, उनके सैलरी जो जरूर बढ़ने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या बात है कि देखो, इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के थ्रू जो एक सेटलमेंट जो होता है उस पर साइन हो गया है। इसमें जो है बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर सेटलमेंट का साइन अगर साइन हो गया है, ठीक है, तो फिर सैलरी नवंबर को क्यों नहीं बढ़ा? ठीक है, अब जो देखो साइन हो जाने के साथ साथ सैलरी नहीं बढ़ती, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही सैलरी बढ़ा तो मैं आपके सामने वो खबर भी सबसे पहले मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, सो ये बात है कि सैलरी तो जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि जितना मुझे अभी ख्याल है, जितने भी स्टूडेंट मेरे काम कर रहे हैं, जो अभी क्लर्क में जो काम कर रहे हैं, उनको 38,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिल रहे हैं। तो अभी जितना जो नया जो 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद अगर आप देखा जाए, तो इसका जो सैलरी है अराउंड 45,000 तक बढ़ने का, मतलब 45,000 तक पहुंचने का बात है। ठीक है, सो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। सो दूसरी खबर ये है कि देखो, एसबीआई वालों ने वीआरएस स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, वीआरएस स्कीम क्या होता है? ये वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस कहते हैं, फ्रॉम सर्विस। ठीक है, अब ये क्या चीज होता है? अराउंड 30,000 इंप्लॉयज, 30 to 35,000 इंप्लॉयज इसके लिए, इस वीआरएस के लिए इलिजिबल है। तो जरूर देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये जो है ये वीआरएस स्कीम अगर लॉन्च कर दी गई है एसबीआई में, तो जरूर कुछ एसबीआई के जो ऑफिशियल्स है, जो क्लर्क है, जो ऑफिशियल्स है, जो ऑफिसर्स है, वो लोग वीआरएस के लिए अप्लाई करेंगे। जिस तरह से वीआरएस के लिए अप्लाई किया, इस तरह से नौकरी आपके लिए निकला, तो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकलने के चांसेस है दोस्तों। तो आप पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव इन योर स्टडीज, क्योंकि देखो आप अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला भी जरूर आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो ये जो स्कीम है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज है जो लोग एसबीआई के एस्पायरेंट है, जो एसबीआई में काम करना चाहते हैं। सो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये था दो बहुत ही अच्छी खबर जो मैं आपको शेयर करने वाला था। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट।